नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार को है। पति की दीर्घायु के लिए विवाहित महिलाएं व्रत रख इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती है। हरतालिका तीज भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। अब जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज पर स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर घर की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। इस दिन सुबह की पूजा के बाद महिलाएं सुलहर श्रृंगार कर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। इस दिन सुबह आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की नियमित रूप से पूजा कर हरतालिका तीज के निराहार व्रत का संकल्प लें। सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती की बालू या काली मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। पूजा की चौकी या पूजा की बड़ी थाल में अक्षत रखकर प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान शिव और मां पार्वती का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान शिव को वस्त्र और देवी पार्वती को सुहाग की सभी वस्तुएं अर्पित करें। पूजा के बाद इन वस्तुओं को ब्राह्मण को दान करें। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। हरतालिका तीज एक सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखने का व्रत है। इसको हर सौभाग्यवती स्त्री को रखना चाहिए। इस दिन शंकर पार्वती का पुनर्विवाह होता है और मिलन होता है। ये एक सौभाग्य को अखंड रखने का प्रतीक है। हरतालिका तीज हर स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खास स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पूरा व्रत नहीं रख पाती, उनको भाई थोड़ा सा पानी पी के आप फरार करके, लेकिन तीज हमेशा हर व्रत को रखना चाहिए। हर स्त्री के लिए ये व्रत बहुत ही ज़रूरी है और शंकर पार्वती का ये व्रत हर स्त्री के लिए लाभकारी है। इसके लिए सौभाग्य अखंड रहता है। आप जितना हो सके उतना रख लो, लेकिन रखना बहुत ज़रूरी है। हरतालिका तीज भादो पक्ष के आप शुक्ल पक्ष को होता है। इस तीज में जो भी होता है सौभाग्य के लिए होता है और सौभाग्य बढ़ाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। हर घर में हर स्त्रियां इस व्रत को करने के लिए बहुत उत्साहित होती हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती है और इस व्रत को बहुत प्रसन्नता से किया जाता है। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज़।